बहुत ही बुरी खबर है। 47 साल के बाद रशिया ने जो चांद मिशन लूना 25-11 अगस्त को लॉन्च किया था वो 20 अगस्त को फेल हो गया। रशियन स्पेस एजेंसी ने इस चीज को कंफर्म किया कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये मिशन फेल हो गया। ग्लिच क्या था? जो वो कैलकुलेशन किए थे उससे हट करके अलग कंडीशन चांद पर पाई गई थी। वो एक अनकंट्रोल ऑर्बिट में फंस गया था और उसके बाद वो क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी गई तो वो नाकामयाब हो गई। इसका रीज़न ये भी है कि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही डीप बात होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, एक तरह से रॉकेट साइंस होती है, इतना डीप में भी नहीं जाना है, लेकिन ये सब मान के चलो कि जो लोग वो कैलकुलेशन किए थे वो नहीं हो पाया है और वो ऑर्बिट में फंस करके स्पिन ऑफ होकर क्रैश कर गया। और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रियां बहुत ही ज्यादा खुश है रशिया के नाकामयाबी की वजह से, लेकिन इंडिया इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको पता है स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसको स्टडी करने में, एक रॉकेट को डिज़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये लूना 25 काफ़ी सालों के बाद लॉन्च किया गया था और ये मिशन फेल हो गया था, जिस कारण से रूस को काफ़ी बहुत बड़ा झटका लगा। क्या आपको ये बात पता है कि भारत के पहले इंसान जो कि स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा, उनका इस मिशन में सबसे बड़ा हाथ रशिया का था, यानी कि रशिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में। इवन जब भारत का पहला सैटेलाइट जब लॉन्च किया गया था 1975 में, तब रशिया ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी इंडिया को इस मिशन में, और इस मिशन का नाम था आर्यभट्ट। इंडिया का जो गगनयान मिशन आने वाला है, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, और ये इसरो का अपकमिंग मिशन है, बहुत ही बड़ा मिशन है, इसमें भी रशिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है भारत की, इवन वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है स्पेस में जाने की। इनफैक्ट इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस सब पर हंसना और अंदर ही अंदर खुशी बनाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रशिया पहले भी हेल्प करते आ रहा था और आज भी हेल्प कर रहा है और आगे भी हेल्प करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो या फिर स्पेस रिसर्च हो, चाहे कुछ भी हो, वो आगे भी हेल्प करेगा हमारी। और मैं आपको आखिर में ये बात बता दूं कि वो भारत का पहला एक दोस्त है जिसका नाम रूस है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और एक लाइक तो बनता है, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।